हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल अगेन। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.3 के बारे में आप जितना जानते हो, आई थिंक आपको अच्छे से याद होगा। हमने इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था और कुछ नंबर्स को हमने ऐसे प्रूव किया था कि जैसे वो इरेशनल नंबर हों, मतलब इरेशनल नंबर हैं बट हमने प्रूव किया था कि वो इरेशनल कैसे होंगे। तो आपको याद होगा, आई थिंक हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया था और फिर ये कहा था कि अजम्पशन रॉन्ग होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और रेशनल नंबर की दो कैटेगरीज होती है। फर्स्ट कौन सी होगी कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है तो भी हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीटिंग हो सकता है, यानी कि डेसिमल के बाद में सारी डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी या डिजिट्स का कोई सेट होगा या कुछ ब्लॉक होगा वो रिपीट हो रहा होगा, तो वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्यू का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। और इसी प्रॉपर्टी पर यह पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, पूरी एक्सरसाइज इसी पर चलेगी, ठीक है। तो अब हम हमारी एनसीईआरटी की स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, दो तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा होता है रिपीटिंग वाला, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होता बट वो एंडलेसली कोई ना कोई उसमें रिपीटेशन मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है हमें, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स के जो दो कैटेगरी हैं इनको मैं आपको समझा देता हूं, तो हम हमारे बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहां पर जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, ये रहा रेशनल नंबर, तो दो कैटेगरी यहां पर होंगी। पहला होगा टर्मिनेटिंग, और ये सब जो है वो डेसिमल एक्सपांशन के बारे में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो यहां पर मैं दोनों के एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। तो वन बाई वन देखते हैं। टर्मिनेटिंग, मान लो कि एक डेसिमल नंबर है, कोई भी हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज 4.51। अब आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में दो डिजिट आ रही है, सिर्फ दो डिजिट आ रही है, इसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ना ही मैंने कोई डॉट डॉट ऐसा कुछ लगाया है कि जैसे ये नंबर इस तरह से होगा। तो ये वाली कैटेगरी अलग होती है, तो हम पहले इस पे फोकस करेंगे। 4.51, आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में सिर्फ दो डिजिट आ रही है, ठीक है ना, दो डिजिट, तो यानी ये टर्मिनेट हो रहा है, 5 और 1, 1 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इजिली लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ ना ये नंबर, तो इसकी वैल्यू होगी 451/100। तो P अपॉन Q हो गया, ठीक है, P क्या हो गया 451 और Q हो गया हमारा 100। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, ये भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्या नंबर होगा, मान लो इसी नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, 4 पॉइंट और ये हम कह दें 5151 और आगे हमें डॉट शो करने होंगे, ठीक है, डॉट डॉट लगाना होगा। इस डॉट का मतलब होता है, ये जो भी डॉट डॉट्स लगाए ना, इनका मतलब होता है दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नेवर एंडिंग, और ये क्या होता है कंटिन्यूसली चलता रहता है इनफाइनेटली, बट ये 5-1 रिपीट होता रहेगा, तो 5-1 5-1 5-1 ऐसा चलेगा एंडलेसली, आप कह सकते हो इनफाइनेटली। और इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास में स्टडी कर लिया है अच्छे से, कैसे इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वो हमें यहाँ नहीं करना। हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिनोमिनेटर की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिनोमिनेटर की। तो अगर हमें डिनोमिनेटर की वो नेचर पता हो तो हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग वाला होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमारा मेन फोकस इसी कंसेप्ट पर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रहा सेकेंड वाला, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। फर्स्ट कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और सेकेंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो ये क्यू पे डिपेंड करेगा। चलो तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे एक थ्योरम आएगी और उस पर बेस्ट एग्जांपल्स आएंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो वो थ्योरम आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये होगा हमारा पी अपॉन क्यू, ऑब्वियसली ये एक रेशनल नंबर होगा जहां पर P और Q क्या होंगे, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये कंडीशन हमेशा रहेगी। अब Q की नेचर क्या होती है कि Q जो होता है ना वो होता है या तो 2 की कोई पावर में होता है, या हो सकता है Q हमारा 5 की कोई पावर में हो। तो N और M सिर्फ एक सिंबल है, है ना, आप कोई भी ले सकते हो, 2 की पावर X, 2 की पावर Y, बट NCERT में जो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। या Q हो सकता है दोनों का मल्टीपल, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अगर हमारा डिनोमिनेटर इनमें से किसी फॉर्म का है, इन तीनों में से, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इस फॉर्म का नहीं है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर हमें मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3, 7 या 11, तो वो वाला रेशनल नंबर तो होगा ही, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से भी समझा दूंगा लेक्चर के बीच में, ठीक है। जब कोई बिगर नंबर आएंगे और डिवीजन जब हमें करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस तरह से ये टर्मिनेटिंग होता है और किस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, करेक्ट। तो वन बाय वन अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके पहले थोड़ा समय एक थ्योरम आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। देखो इसके पहले हम चलते हैं आर्टिकल पे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो स्टूडेंट ये होगा 1.5, ये आर्टिकल है, क्योंकि इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो इसको पूरा पढ़ लेना आपको अच्छे से, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये सब कुछ कंडीशंस आपको पता है ऑलरेडी, आप नाइन्थ में स्टडी कर चुके हो कि पी अपॉन क्यू होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अच्छा यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, देखो 0.375, तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 375/1000। अच्छा ये फ्रैक्शन ना करके हम इसको रेशनल नंबर कहें बेटर रहेगा, तो 375/10³। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर पर मैं फोकस करूंगा 10³। यहाँ देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10³। ओके यहाँ सब जगह डिनोमिनेटर में 10³ आ रहा है, ये जितना मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब कि ये 10 है, इसके फैक्टर्स होते हैं 5 और 2, 5 और 2 बोथ होते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। तो अगर हमारे पास 2 आ रहा हो, 2 अकेला आ रहा हो, या 5 आ रहा हो अकेला, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो वो वाला डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम एग्जांपल्स और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल है 0.375, इसको हमने इस तरह से लिखा 375/10³, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या कहा, यह है 3/2³। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फाइनली 2 की कोई पावर हमें मिल गई। वही मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर आ रही है सारा सिंप्लीफाई करने के बाद में, या फिर 5 की कोई पावर आ रही है, या फिर 10 की पावर आ रही है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपांशंस टर्मिनेटिंग होते हैं, करेक्ट। इसके बाद यहां पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो ये जो मैंने अभी कुछ कहा आपको, जो भी समझाया वो यहां पर थ्योरेटिकली गिवन है। यहां देखिए कि वी शुड एक्सपेक्ट द डिनोमिनेटर टू लुक लाइक दिस, सिंस पावर्स ऑफ 10 कैन ओनली हैव पावर्स ऑफ 2 एंड 5 एज फैक्टर्स, क्योंकि 10 के दो ही फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो 10 की पावर हो जाए डिनोमिनेटर में, या फिर 2 और 5 की पावर हो फैक्टर फॉर्म में। अच्छा इसके बाद थ्योरम आती है, और थ्योरम के बाद में थ्योरम 1.6। तो देखो थ्योरम 1.5 क्या करी है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, हमने मान लिया कि टर्मिनेट कर रहा है, रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेट कर रहा है। Then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime, ठीक है ना, p और q co-prime होंगे, and the prime factors of q is of the form 2 power n into 5 power m. बस ये important point है इस exercise का, आपको mind में रखना है, where n and m are non-negative integers. Non-negative का मतलब negative नहीं होगा, 0 हो सकता है, positive integer हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में theorem 1.6 हम देखते हैं। अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको स्टडी कर लेने हैं, ठीक है, और ये सारे जब आपको क्लियर होंगे जब मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद 1.6 देखो, लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर m, वेर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। बस वही बात को
बार बार कह रहे हैं ना, घुमा फिरा के बार बार कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद चलो एक चीज ये देखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने डिवाइड किया 1 को 7 से। अब आप देखो 1 अपॉन 7, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्क्रीन पर। देखो 1 अपॉन 7 में आपको क्या दिख रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, करेक्ट। और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली पी अपॉन क्यू है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। तो अगर 7 के हम फैक्टर्स देखें, ये 7, तो 7 के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में है ही नहीं, है ना। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में हो, उनके कुछ एक्सपोनेंट्स हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो डिवीजन हम देखते हैं एनसीईआरटी में, ये देखो 0.142857, और ये वापस से 1 आ गया। इसका मतलब 1 के बाद फिर से सारी डिजिट रिपीट होंगी, 42857, देन 142857। तो ये रिपीट होगा कब तक, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ठीक है ना, ये डिवीजन कभी फिनिश नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में मैं आपको शो कर देता हूं कि ये डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैलकुलेटर है हमारे सामने। अब हम डिवीजन करते हैं, क्या डिवाइड किया था हमने, 1 को 7 से, ध्यान रखना 1 डिवाइड बाय 7, ये मैंने प्रेस कर दिया, इक्वल बटन पे देखो हमारा आंसर आता है। अब आप फोकस करो यहाँ पे जहां पे माउस का कर्सर है, आप देख सकते हो 0.142857, 142857, 142857, 142857, और ये क्या होगा, इनफाइनिटली चलेगा। बट डिस्प्ले में आप देख सकते हो, आप सोचोगे कि ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स ऐसा है, कैलकुलेटर की डिस्प्ले जो होती है उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो 10 या 15 डिजिट या 20 डिजिट को डिस्प्ले कर सकती है। तो अगर हमारे पास ज्यादा स्पेस होता तो ये और आगे ऐसे चलता रहता, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 जो है वो फैक्टर्स उनके है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कहीं भी 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा। तो इसके अलावा हमें 7 मिल रहा है जो एक प्राइम नंबर है, तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर मिलता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन वो वाला क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, क्लियर। तो यहां से हम हटा देते हैं इसको, और आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पे रीजन भी दे रखा है, 7 इज क्लियरली नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, फ्रॉम थ्योरम 1.5 एंड 1.6 वी नो दैट 1.7 विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नहीं होगा ये। सो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना आपको, थ्योरम 1.7, ये तीनों थ्योरम्स एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, ठीक है ना। तो थ्योरम्स को हम कन्वर्स भी स्टडी करेंगे, है ना। कन्वर्स कैसे करेंगे, कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो तो हम ये बता देंगे कि क्यू की नेचर क्या होगी। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पर। चलो तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। मैं मोस्टली 6 या 7 सोल्व कर देता हूँ, बाकी आपको सोल्व करने हैं, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम लेते हैं हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवीजन तो करना ही नहीं है, ठीक है, डिवीजन को आप भूल जाइए। बिना डिवीजन करके हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन होगा 13 अपॉन 3125। ओके 3125, अब देखो यहां पर हमें डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, फिर देख लो कि 2 और 5 आ रहा है या इसके अलावा कुछ और आ रहा है। चलो तो 3125 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जनरली आपको पता होगा, देखो अगर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां तक तो हमारा 625 बनता है, है ना, ये 25 625 625, एक और 5 ले लेने से ये 3125 बन जाता है। तो मतलब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 5, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए इसको, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2 नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। अब 2 पावर 0 का मतलब क्या है, हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो हमने 2 पावर 0 की फॉर्म में लिखा। अब देखो आपके सामने, अब डिनोमिनेटर को स्टडी करो, ये टोटल, ये ओवरऑल जो भी आपको दिख रहा है 13 के नीचे, ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है, है ना। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, और ये लैंग्वेज आपको बार बार लिखनी होगी जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा।
तो हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m, और इसके नीचे बस एक स्टेटमेंट हमें और लिखना है, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा करेक्ट, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये रीजन देना है। तो जब भी आपको लगे कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन पता कैसे करेंगे, आप उसके प्राइम फैक्टर्स पता करो। अगर बेसिक आपको याद है कि ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज हमें याद रहती है, तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आप रफ में इसको फाइंड कर लो, है ना। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स। अच्छा ओके बच्चों, ठीक है ना, ये देखो, तो यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे बार बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये दो लाइनें, ये दो जो लाइनें मैंने लिखी ना, ये हमें लिखनी है। अच्छा क्या हम इसको कैलकुलेटर में चेक करें, वेल एंड गुड होगा, है ना। हम आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या रियली ये टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर से हमारा कैलकुलेटर आ गया है, हम डिवाइड करते हैं 13 को 3125। देखो आंसर क्या आ रहा है, 0.00416। आप कैलकुलेटर की स्क्रीन देख सकते हो, और ये टर्मिनेटिंग है ना, 6 के बाद कुछ भी नहीं है, टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सेकेंड पार्ट देखते हैं, 17/8। सेकेंड पार्ट 17/8 क्या लिखेंगे हम, 8 आपको पता है क्या होता है, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स हो तो क्या होते हैं, 2 into 2 into 2 फैक्टर फॉर्म में, तो 2³ हो गया। बट प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम ये कहेंगे 2³ into 5 power 0, क्योंकि 5 power 0 तो 1 हो गया ना, 1, हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो बस यही लैंग्वेज हमें लिखनी है। देखो इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं हम, और यही स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके तो ये हो गया सेकंड का आंसर। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पता किए, 2³ हुआ, मल्टीप्लाई में 5 पर 0 लगाया, वो प्लेस कर दिया। अब हमने कह दिया कि ये 2 power n into 5 power m की फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और ये भी टर्मिनेटिंग होता है। ये भी मैं आपको कैलकुलेटर पर शो कर देता हूँ। देखो 17 divided by 8, देखो 2.125 टर्मिनेट हो रहा ना, 5 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट, तो कंटिन्यूसली फोर्थ तक तो मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, 64/455 थर्ड पार्ट, 64/455। अच्छा 455, तो आप देख सकते हो ये 5 से डिवाइड हो रहा है ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा, 5 9 = 45 और ये 91। देन 91 के क्या फैक्टर्स होंगे, 13 7 = 91 होता है। ओके स्टूडेंट्स अब हम मेन पॉइंट पर आ गए। अब देखो डिनोमिनेटर देखो किस फॉर्म का है, 2 power n into 5 power m की फॉर्म का नहीं है, क्योंकि 5 तो ठीक है आ रहा है, 2 की पावर 0 भी हम लगा देंगे, बट 2 और 5 के अलावा 2 फैक्टर्स आ रहे हैं जो प्राइम है, कौन से, 13 और 7। मैंने आपको बताया था 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आएंगे तो वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज इन द इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सिंपल है ना, ये रीजन हम दे देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, और आई थिंक कि मुझे आपको कैलकुलेटर में शो करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या है। देखो जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको सारे प्रूफ देते रहूंगा, है ना, क्योंकि ये सारे डिवीजन हम कर नहीं सकते ना, इवन कर तो सकते हैं बट टाइम वेस्ट क्यों करें।
प्रॉपर्टी हमें पता है और हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, फिर भी हम कैलकुलेटर से टेस्ट करते हैं। देखो किसको डिवाइड किया हमने, 64, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अमेजिंग होती है, कंसेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 455। अब देखो काफ़ी बड़ा आंसर आया है और आप सोचोगे ये टर्मिनेट हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर की डिस्प्ले की एक लिमिट होती है, उतना ही शो कर सकता है। चलो हम देखते हैं पैटर्न क्या आ रहा है। देखो आप कर्सर के जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे आपको फोकस करना है, 0.1406593, तो आप देख रहे हो कि ये 6 डिजिट जो है ना, 6 डिजिट का सेट रिपीट हो रहा है, कौन सा, 1 के बाद में 406593, ये पूरा सेट रिपीट हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि डिजिट, एक डिजिट रिपीट हो रही है, दो डिजिट हो रही है या दो से ज़्यादा, कुछ ना कुछ रिपीटेशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी से इसको प्रूव किया है, करेक्ट। चलो इसके बाद हम सोल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, ये वाला होगा 15/1600, काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, 15/1600। अब देखो यहाँ पर हमारी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम इसको डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम। तो 1600 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो शॉर्टली हम कैसे करें, बहुत ही क्विकली हम कर सकते हैं, इसको हमने लिखा 16×100, करेक्ट। फिर आप 2 और 3 के चक्कर में मत पड़ो, है ना, ऐसा नहीं कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 4 से कर रहे हो, फिर 100 से कर रहे हो, डायरेक्ट आपको लग रहा है कि 16×100 है, नो प्रॉब्लम। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4, ओके, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 100 का मतलब होता है 10×10, तो ये हो गया 10 पावर 2, 100 हो गया। फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2 पावर 4। अब ये देखो ये जो 10 है 10 पावर 2, इसको हम लिखेंगे 2 पावर 2×5 पावर 2। अब ये मैंने क्या किया, देखो रफ वर्क करके मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 का मतलब होता है 2×5। अब अगर इस 10 पर हम, आपको यहाँ फोकस करना है, ठीक है, 10 पे अगर हम कोई एक्सपोनेंट लगाते हैं, मान लो 2 लगाया, तो इन दोनों पे भी सेम एक्सपोनेंट लग जाएगा। इसका मतलब किसी नंबर के अगर हम फैक्टर्स करते हैं ना, तो उस नंबर की एक्सपोनेंट सारे फैक्टर्स पे एप्लीकेबल होती है, सभी पे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 10² को इस तरह से लिख दिया है, करेक्ट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो देखो ये 2 पावर 4 और 2 पावर 2 मिलके क्या बनाते हैं, 2 पावर 6, एक्सपोनेंट रूल होता है, क्योंकि जहाँ पे बेस सेम होते हैं वहाँ पे एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, और 5 पावर 2। अब फाइनली आप क्या देख रहे हो, देखो ये रिजल्ट हमारे सामने आया ना, इसमें डिनोमिनेटर प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n × 5 पावर m, बस वही स्टेटमेंट लिखना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था हमने, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, हैंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग हो गया ना, ठीक है। अच्छा इसको भी हम चेक कर लें, वेल एंड गुड रहेगा, 15/1600, ये देखो क्या है, 0.009375, आप देख रहे हो 75 के बाद कुछ भी नहीं है, ना कोई रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि छोटा सा डिवीजन है, जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है वहां भी आप चेक कर सकते हो, हालांकि उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा आपका, ठीक है, तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 4 पार्ट्स इसके सोल्व कर चुके हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स। आगे मुझे लगता है कि कुछ टोटल 10 में से मैं 7 पार्ट सोल्व कर देता हूँ, 3 मैं यहाँ पे ऑमिट करूंगा, जिसको आप सोल्व करोगे डाउट आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ 7, 8 and 9, करेक्ट, 7, 8, 9 सोल्व करते हैं। तो रेंडमली मैंने 3 पार्ट ले लिए हैं, 7th पार्ट कौन सा है, 7th पार्ट है, ओके, 129/, ये कुछ एक्सपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है, 7th पार्ट 129/, यहाँ पर एक्सपोनेंट आ रहे थे 2, 5 और 7 वाले, एक बार चेक कर लेते हैं हम, 2, 5, 7 और एक्सपोनेंट आ रहे हैं 2, 7, 5, ओके, 2, 7, 5।
अब देखो हमें करना क्या है, यहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है ना। अब देखो ये डिनोमिनेटर है ना, इसका पैटर्न देखो, हमें पता है 2 पावर n और 5 पावर m तो है, बट प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि 7 भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, तो मैंने बताया था आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आए, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो लैंग्वेज हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अब एक और छोटी सी बात हम जोड़ देते हैं, एज इट हैज 7 ऑल्सो एज ए फैक्टर, हैंस अब आपको पता है हमें क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट। सेवेंथ पार्ट सोल्व हो गया है, सेवेंथ के बाद में हम चलते हैं, और मैंने कौन सा बताया था, 7, 8, 9, ओके 7, 8, 9, 8 है 6 अपॉन 15, ओके okay, तो आपको दिख रहा है 15, अच्छा हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5, ठीक है ना, 3, 2, 6, 3, 5, 15। अब एक्चुअली हम इसको वैसे भी सोल्व कर सकते थे एज इट इज, इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, तो ये 2 अपॉन, अब देखो 5 तो ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 0, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो डिनोमिनेटर प्रॉपर फॉर्म है, तो हम बार बार लिखने के बजाय इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज बार बार लिखनी है, जब डिनोमिनेटर उसी फॉर्म का आ रहा है तो वही स्टेटमेंट हमें बार बार लिखने होंगे, करेक्ट। तो कॉपी और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं इसको, ये पेस्ट कर दिया हमने इसको, और ये हो गया है इसका आंसर, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब आप करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 अपॉन 5 क्या होता है 0.4, ठीक है, और 6 अपॉन 15 ये भी 0.4 होता है, तो बहुत इजी ये हो जाएगा, बट फिर भी मैं कैलकुलेटर में शो कर देता हूं, देखो 6 / 15 ये देखो 0.4, ठीक है ना, तो इस तरह से ओके। एट पार्ट के बाद में हम कौन सा करते हैं, ठीक है मैं 9th वाला पार्ट सोल्व कर देता हूं, करेक्ट 35 upon 50, सो 9th पार्ट इज 35 upon 50, ओके हम चाहे तो यहां पे 5 से कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर कैंसिल और तो हम कैंसिल कर देते हैं, इजी रहेगा, तो यहां पर 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, और ये हो गया हमारा 2 into 5। अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है प्रॉपर फॉर्म में है ना, 2 पावर n into 5 पावर m, फिर से वही स्टेटमेंट हमें यूज में लेना है, अच्छा कॉपी कर लेते हम इसको यहां से, करेक्ट कॉपी एंड यहां हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये आंसर आ गया इसका। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसकी फॉर्म पता चलते ही हमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर की पर्टिकुलर एक फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट हमें लिखना है, और वो चीजें बार बार रिपीट हो रही है। सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमें कंप्लीट कर देना चाहिए, और आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके एक बात और है, अगर ये 2/5 हम ऐसा ही लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, रॉन्ग तो नहीं होगा, बट यहाँ पे 2 पावर n into 5 पावर m को शो करना ईजी रहेगा, तो क्या करने चाहिए, बस थोड़ा सा काम करना, 1 और 1 हम लगा देंगे एक्सपोनेंट की तरह, हम क्या कहेंगे 2 पावर 1 into 5 पावर 1, तो सिंपल सी बात है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या प्रॉपर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, और समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये चलते हैं एनसीईआरटी पे, ओके सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं, फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा, फर्स्ट पे बेस्ड है,
ठीक है, फर्स्ट वाले को हमें सोल्व करना है, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। ये कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। हमने नेचर तो बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, बट वो जो टर्मिनेटिंग हो रहे थे ना उनका हमें एक्चुअल एक्सपेंशन लिखना है कि उनका आंसर क्या होगा। अब हमें आंसर लिखना है बट डिवीजन नहीं करेंगे हम, फिर से हम एक प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, वो प्रॉपर्टी मैं आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बजाय कि फर्स्ट क्वेश्चन के। तो सेकंड क्वेश्चन हमें फोकस करना है यहाँ, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। करेक्ट, तो हम चलते हैं फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम एक नया बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और क्लिप कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही फिर से हमें लेना है। ओके, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां से ना लेके हम सिर्फ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन लेते हैं 1 to 10। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। ओके, ये देखो फर्स्ट पार्ट। तो हमें याद रखना है कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें। मतलब कि वो अगर डिवीजन में परफॉर्म करते हैं तो आंसर क्या होता है एक्चुअली। करेक्ट, तो यहां पर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, ये होगा 13/3125। देखो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी टेक्निक हम यूज करेंगे, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि बिना डिवीजन किए हम आंसर भी बता सकते हैं, बट उस केस में जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, यानी डिनोमिनेटर 2 और 5 के प्रोडक्ट फॉर्म में हो। चलो, तो आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था ना उसका कुछ पार्ट में एज इट इज लिखना होगा। ये था 5/5। करेक्ट, अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल लेने हैं। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10, 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। ये हमें कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं 2/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो अब डिनोमिनेटर में देखो क्या बन जाएगा, 10/5, देख सकते हो आप। और एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट सेम होता है ना तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। आपको सुनना है अच्छे से, ध्यान से, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है इसलिए बेस मल्टीप्लाई होंगे। और 2/5/2/5 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्योंकि ये कैंसिल होके तो 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मान लो। लेकिन हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लिया है ताकि डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट कर सकें। अब देखो क्या करेंगे, ये 13 × 2/5 को लिखा हमने 32, और नीचे क्या हो गया 10/5। अच्छा 13 × 32 क्या होता है, देखो 13 × 2 = 26, 2 carry 39 + 2 = 41, और ये हो गया 10/5। अब इजीली आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, जितने जीरोज नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर में उतने डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगाते हैं न्यूमिनेटर में। तो 10/5 मतलब यहाँ पे 5 जीरोज आ रहे हैं, है ना, हम इसको 1 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 जीरोज हैं तो मतलब 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। देखो ये 3 डिजिट तो इसकी खुद हो गई। अब देखो 4 और 5, ये हमने इसको 5 डिजिट का नंबर बना दिया और ये हमने लगा दिया डेसिमल, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.00416। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि 13 को हम डिवाइड करेंगे 3/1/2/5 से तो यार है 0.00416। करेक्ट, और ये चीज़ फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देख ली थी। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट भी क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो 17/8 ये होता है 17/2/3। इसको अब हम कैसे मल्टीप्लाई करें, देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है तो यानी डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 5 क्यूब ताकि ये 10 क्यूब बन जाए, और इसी 5 क्यूब को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 17 × 125, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 10 क्यूब। अब आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद में हम 3 डिजिट के बाद में डेसिमल प्लेस करेंगे क्योंकि 10 क्यूब का मतलब 1000 होता है, 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 3, तो मल्टीप्लाई करो 17 × 5 = 85, 8 carry 17 × 34 + 8 = 42,
4 कैरी और ये हो जाएगा 21 अपॉन 10 क्यूब। अब देखो 10 क्यूब मतलब 1000, तो 1000 से डिवाइड किया तो इस नंबर में तीन डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगाएंगे और आंसर होगा 2.125। तो इसको हम फिर से कैलकुलेटर से चेक करते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2.125। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये रहा आंसर, ठीक है, जहां पे कर्सर है ये आंसर रहा हमारा। ओके ओके, थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि आई थिंक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो हमें वही डेसिमल एक्सपेंशन पता करने जो टर्मिनेटिंग होंगे। तो फोर्थ वाला पार्ट था ये टर्मिनेटिंग था, 15 अपॉन 1600। ओके, और मुझसे कोई पार्ट अगर छूट भी जाता ना बाई मिस्टेक तो आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। 15 अपॉन 1600, देखो 15 अपॉन 1600, फर्स्ट पार्ट में मींस फर्स्ट क्वेश्चन में जो कुछ किया था थोड़ा बहुत उतना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो ये 1600 हम देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। पार्ट फोर, फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं इसका क्या था। ये देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये था 15 अपॉन 2 पावर 6 × 5 पावर 2, करेक्ट, 2 पावर 6 और 5 पावर 2। तो ये आंसर हम यहां लिख लेते हैं 2 पावर 6 × 5 पावर 2। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना होता है, यहां पर अगर हम 10 को अलग कर सकें, यानी कहीं ना कहीं से 10 या 100 निकाल सकें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या करेंगे हम, जो बिगर एक्सपोनेंट है ना उसको हम ब्रेक कर देंगे। कैसे कर देंगे, 2 पावर 6 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 पावर 4 × 2 पावर 2, करेक्ट, और नेक्स्ट वाला नंबर एज इट इज। अब देखो यहां पर स्टेप्स थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है बट कैलकुलेशन वही रहेगी। ये 2 पावर 4 × 2 पावर 2 कंबाइन होकर मिलाता है 2 पावर 6 और ये हो जाता है, वेट ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर 10 बन रहा हमारे पास 2 पावर 4 और ये देखो 2² × 5² ये क्या बन रहा है 10² ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमें कुछ हेल्प लेनी होगी। देखो यहां पर 2 पावर 4 है, अब आपको पता है 2 पावर 4 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं नीचे वाले टर्म्स को कुछ ऐसा लिखता हूं, थोड़ा सा आगे पीछे करके। अब आप देख सकते हो 2 पावर 4 है तो यहां पर हमें एक 5 पावर 4 चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करके 10 की कुछ एक्सपोनेंट बनाए और वही वाला हमें ऊपर लिखना होगा, ठीक है। फिर देखो क्या बन गया 15 × अब ये 5 पावर 4 क्या होता है 625, ठीक है ना। अब नीचे देखो क्या बन गया, एक तो 10 पावर 2 था और ये दोनों फैक्टर्स मिलके 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 मिलके बनाते हैं 10 पावर 4। फाइनली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का जो नंबर आएगा होगा 10 पावर 6। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 = 75, 7 कैरी, 15 × 2 = 30 + 7 = 37, 3 कैरी और ये 90 + 3 = 93। अब देखो ये नंबर आ गया है, इजिली हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो नीचे देखो 10 की पावर 6 है यानी 6 जीरोज आएंगे, तो न्यूमरेटर में 6 जीरोज 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 4 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, ये हो गया 5 और 6, नंबर बन गया 6 डिजिट का और हम डेसिमल लगाएंगे, हमारा आंसर होगा 0.009375। चलो कैलकुलेटर पर चलते हैं और डिविजन करके मैं आपको शो कर देता हूँ, 15 / 1600, देखो आंसर आ रहा है 0.009375, करेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो टर्मिनेटिंग था वो कौन सा था, ओके, तो यहां पर सिक्स पार्ट होगा, सिक्स पार्ट, तो 23 अपॉन 2 क्यूब और 5 स्क्वायर, चेक कर लेते हैं हम 2 क्यूब, ठीक है, ये डॉट नहीं लगाना। अच्छा अब देखो फिर से हम ब्रेक करते हैं, तो यही कंसेप्ट यूज में लेना आपको, जो बिगर एक्सपोनेंट है उसको ब्रेक कर दो ताकि उसमें कोई ऐसा फैक्टर निकले जो स्मॉलर के इक्वल हो। तो 2 क्यूब को हम लिखेंगे 2 × 2 स्क्वायर, देन है ये 5 स्क्वायर, फिर 23 अपॉन 2 × ये बन गया 10 स्क्वायर, ठीक है, आप देख सकते हो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर बन जाएगा, देन 23 अपॉन, देखो 10 स्क्वायर × आगे पीछे करके, अब 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो 1 5 ऊपर भी चाहिए, ठीक है, 23 5 जा कितना होगा 115 और नीचे क्या बन गया ये 10 क्यूब, अल्टीमेटली ये 10 क्यूब बन गया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, 0.115, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.115। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, किससे डिवाइड किया हमने,
देखो 23 को हमने डिवाइड किया है, नीचे 2 क्यूब है यानी 8, और 8 को 25 से किया तो 25 एट जा 200, और डिवाइड किया तो 0.115 आंसर आ रहा है। ओके, इसके बाद में 6 के बाद में हम सोल्व करते हैं 8, 9 और 10, तो 8 है हमारा 6 अपॉन 15। ओके, तो हमने इसको कैंसिल किया 6 अपॉन 15, तो ये बन गया 3, 2 जा 6, 3, 5 जा 15। ओके, और कैसे करेंगे, नीचे जो 5 है उसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, वही 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये होगा 4 अपॉन 10, और बहुत ही सिंपल है ये 0.4। ठीक है, देन नाइन्थ पार्ट है 35 अपॉन 50, ये वाले पार्ट तो काफी इजी है, 35 अपॉन 50, फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 7 जा 35 और ये 10 जा 50। ओके, तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंट का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट हो गया 0.7। देन हम चलते हैं 10th पार्ट पे, 10th पार्ट होगा 77 अपॉन 210। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो 10th वाला तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये वाला था 77 अपॉन 210, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला सोल्व नहीं करना ना हमें, उन्हीं रेशनल नंबर्स के हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला था 77 डिवाइडेड बाय 210, तो रिपीटिंग आ रहा है देखो, ठीक है, 6666। अच्छा, लास्ट में 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये राउंड ऑफ किया गया है, जैसे कोई डिजिट 5 होती है उससे पहले वाली डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं और प्लस 1 करके हमें लिखना होता है। ठीक है ना, तो आप इसको डिवीजन अगर आप करोगे प्रैक्टिकली आप रफ कॉपी में, तो ये क्या आएगा 0.36666, ये इनफाइनिटली ऐसे ही आता रहेगा, तो 6 रिपीट होता रहेगा, तो ये हमें फाइंड नहीं करना है। करेक्ट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखो थर्ड क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझना है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, हमारे सामने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हम बाद में फोकस करेंगे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, हम पहले फाइंड करेंगे वो रेशनल है कि नहीं है, रेशनल है इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये बताएंगे वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, मतलब क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, वही होंगे कौन से, या तो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे अगर ये टर्मिनेटिंग है तो, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 2 और 5 के अलावा कुछ और पार्ट भी हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। करेक्ट, तो वो जो कंसेप्ट यूज किया था उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में यूज करना है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि हमें उसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में यानी उसको कन्वर्सली हमें यूज करना है। चलो हम थर्ड क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेते हैं, आई थिंक हम नया स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से थर्ड क्वेश्चन होगा ये वाला। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इस पर फोकस करो, देखो क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, और नंबर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 43.12345, इस तरह से एक नंबर है, काफी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस बन रही है। अब आप देखो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेसिमल के बाद में ये टर्मिनेट हो रहा है, इट डजेंट मैटर कि कितने डिजिट्स पे आप टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है ना, इसका मतलब इसको अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें तो जो क्यू बनेगा ना डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 पावर n × 5 पावर m की फॉर्म में होंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में यूज ले रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे वही रीजन, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, हैंस इट इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऑब्वियसली देखो कंफ्यूज नहीं होना, रेशनल नंबर है मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अब हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हैंस फिर लिखेगा हम क्यू इज ऑफ द फॉर्म
योगा ऑफ द फॉर्म 2 power n into 5 power m। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था उसी को हमने यूज किया है, बट यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना। फर्स्ट में हमने फाइंड किया था, मतलब उसकी नेचर फाइंड की थी, सेकंड में हमने वो एक्सपेंशन फाइंड किया एक्चुअली, और थर्ड में हम, हमारे सामने ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन है और हम क्यू की नेचर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्यू की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट को देखो, ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे देखो क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट के बाद में 1 2 0, फिर 1 2, अब की बार 0 0, फिर 1 2 0 0, तो कोई पैटर्न नहीं है, जीरो के जो नंबर है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये वाला इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये होता है इरेशनल नंबर, जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये इरेशनल नंबर। बाकी दोनों केस मैंने बताए वो रेशनल नंबर के होते हैं, कौन से, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, तो वो इरेशनल होता है। तो सेकंड वाला क्या होगा, यहां पे इरेशनल होगा। तो सेकंड हम लिख देते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है तो क्योंकि कोई नेचर ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तो आपको याद रखना है, रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को, बट इरेशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो डिनोमिनेटर की तो कोई नेचर ही नहीं होगी पर्टिकुलरली। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। सो आई थिंक थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, फिर मैं बता देता हूं। देखो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ एक ड्रॉ की हुई है कुछ डिजिट्स के ऊपर, इसका मतलब होता है वो वाली डिजिट्स, उतनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, मतलब ये क्या होगा 43.12345678 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से 9 तक सारी रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो हम रीजन क्या देंगे, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हैंस क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m। अब देखो यहां पे n और m में कंफ्यूज नहीं होना, आप n को किधर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 पावर m हो सकता है और 5 पावर n हो सकता है, तो कुछ बुक्स में हो सकता है आपको अलग मिले थोड़ा सा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 पावर m, इसके बाद लिखेंगे, ये हो गया, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 पावर m बिकॉज देयर आर फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। इस तरह की लैंग्वेज आपको लिखनी है, तो लैंग्वेज जब आप लिखो तो थोड़ा सा कुछ आगे पीछे लैंग्वेज चल सकती है, ठीक है ना, बट प्रॉपर रीजन जो आपको देना है उसका जो स्टेटमेंट आप लिखते हो वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टोटल 4 एक्सरसाइजेस थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। ओके, एंड आई होप स्टूडेंट्स इस चैनल को कनेक्ट करवाने के लिए आप लाइक और शेयर कंटिन्यूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।